हर साल बहुत से नए बिजनेस शुरू होते हैं, लेकिन ज्यादातर बिजनेसेस पहले ही साल में फेल हो जाते हैं। और इन स्टार्टअप्स के फेल होने के कॉमन रीजंस में से एक होता है फंडिंग की कमी। और ये तो सभी जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को चलाने और सक्सेसफुल बनाने के लिए पैसे का होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में एंटरप्रेन्योर के पास ये चैलेंज होता है कि अपने स्टार्टअप के लिए फंड को कैसे अरेंज करे। और इसका जवाब जानने के लिए ऐसे फंडिंग ऑप्शंस के बारे में जानना जरूरी है जो स्टार्टअप के लिए फंड कलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ऑप्शंस आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बाकी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं स्टार्टअप के लिए फंडिंग के बेस्ट 9 तरीके। सबसे पहला है क्राउड फंडिंग। स्टार्टअप की फंडिंग के लिए क्राउड फंडिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। इसके लिए एंटरप्रेन्योर को क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना होता है, जिसमें बिजनेस गोल्स, प्रॉफिट प्लान्स के अलावा फंडिंग अमाउंट जैसी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इन्हें कंज्यूमर्स रीड कर सकते हैं और अगर उन्हें आइडिया पसंद आए तो वो अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस में कोई भी मनी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, जो डोनेशन की फॉर्म में भी हो सकती है और प्रोडक्ट को पहले खरीदने की प्रॉमिस भी हो सकती है। इंडिया में पॉपुलर क्राउड फंडिंग साइट्स है विशबेरी, कैटो, किकस्टार्टर, ड्रीम वॉलेट्स और मिलाप है। नंबर 2 पर है एंजल इन्वेस्टमेंट। कई बार स्टार्टअप्स को ऐसे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं जिन्हें अपकमिंग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट होता है। ऐसे इन्वेस्टर्स फंड देने के साथ साथ बिजनेस के लिए एडवाइस भी दे सकते हैं और उसे मॉनिटर भी कर सकते हैं। इन्हें एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। एंजल इन्वेस्टर्स की हेल्प से बहुत से स्टार्टअप्स आज टॉप बिजनेसेस बन गए हैं, जैसे गूगल, याहू और अलीबाबा। ऐसा इन्वेस्टमेंट कंपनी की ग्रोथ के अर्ली स्टेजेस में हुआ करता है, जिसमें इन्वेस्टर्स को 30% तक इक्विटी की एक्सपेक्टेशन रहती है। इंडिया की पॉपुलर एंजल इन्वेस्टर्स में इंडियन एंजल नेटवर्क, हैदराबाद एंजल्स, मुंबई एंजल्स शामिल हैं। नंबर 3 पर आता है बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स। बिजनेस जब अर्ली स्टेज में हो तब इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर प्रोग्राम्स अच्छे फंडिंग ऑप्शन साबित हो सकते हैं। ये प्रोग्राम्स हर साल सैकड़ों स्टार्टअप बिजनेसेस को असिस्ट करते हैं। इंक्यूबेटर्स बिजनेस के लिए ऐसे पेरेंट का काम करते हैं जो उसे नर्चर करता है, शेल्टर टूल्स प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस के लिए ट्रेनिंग और नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं, जबकि एक्सीलरेटर्स उस बिजनेस को रन कराने में हेल्प करते हैं। ये प्रोग्राम्स को जनरली 4 से 8 महीने रन करते हैं और इन्हें कमिटमेंट की जरूरत भी होती है। टी लैब्स, सिस्को लॉन्च पैड, GSF एक्सीलरेटर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सीलरेटर और इंडियन एंजल नेटवर्क इंडिया के पॉपुलर बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर्स हैं। नंबर 4 पर आता है बैंक लोन्स। जब भी बिजनेस के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ती है तो बैंक्स फंडिंग के लिए पहली चॉइस होते हैं। बैंक 2 तरह से फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, वर्किंग कैपिटल लोन और दूसरा है फंडिंग। वर्किंग कैपिटल लोन ऐसे लोन्स होते हैं जिन्हें स्मॉल बिजनेसेस लिक्विड कैश की शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए लेते हैं। इसकी ड्यूरेशन 6 महीने से 1 साल तक की होती है और बैंक के फंडिंग प्रोसेस में बिजनेस प्लान, वैल्यूएशन डिटेल्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट शेयर करना शामिल होता है, जिनके बेस पर लोन सैंक्शन होता है। इंडिया के लगभग सभी बैंक्स SME फाइनेंस यानी स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज फाइनेंस ऑफर करते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक्स। नंबर 5 पर आता है माइक्रो फाइनेंस एंड NBFC। माइक्रो फाइनेंस में इंडिया के अंडर डेवलप्ड पार्ट्स के स्मॉल बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स, इंश्योरेंस और मनी ट्रांसफर्स जैसी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। इन पर इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शेयर माइक्रोफिन लिमिटेड, भारतीय समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड यानी कि BSFL, ग्रामा विद्याल माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि GVMFL ये फैसिलिटी देते हैं। इसके अलावा कई लोग इस ऑप्शन की हेल्प भी लेते हैं, जिसका नाम है NBFCS यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, जो कि ऐसी कॉर्पोरेशंस होती है जो बैंक्स के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है और आसानी से फंडिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कराती है। अब आगे है नंबर 6 पर फंड रेजिंग थ्रू कॉन्टेस्ट। आजकल ऐसे बहुत से कॉन्टेस्ट भी हुआ करते हैं जो फंड रेजिंग की अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करते हैं। इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में एंटरप्रेन्योर्स को प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान तैयार करना होता है। इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में आप जीत जाए तो आपको फंड मिल जाएगा, और अगर आप 1-2 अटेम्प्ट्स में नहीं जीत पाए तो भी आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, मीडिया कवरेज और अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा, जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। MDN गैग स्टार्टअप हंट इसी तरह का हंट है। और अब आगे नंबर 7 पर है वेंचर कैपिटल। ये ऐसे प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स होते हैं जो ह्यूज पोटेंशियल रखने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऐसे स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी अप्रोप्रिएट होता है जो स्टार्टअप फेज से आगे आ चुके होते हैं और ऑलरेडी रेवेन्यूज जनरेट कर रहे होते हैं।
इंडिया के पॉपुलर वेंचर कैपिटलिस्ट हैं नेक्सस वेंचर पार्टनर्स, कालारी कैपिटल, ब्लूम वेंचर्स, कैनान, हेलियन वेंचर्स एटसेट्रा। नंबर 8 पर आता है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग को सेल्फ फंडिंग भी कहा जाता है, जो स्टार्टअप फाइनेंसिंग का एक इफेक्टिव वे है, खासकर जब आपने अपना बिजनेस शुरू ही किया हो। ऐसे में आप अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। और एक बार जब आप अपनी सेविंग से बिजनेस को शुरू कर लेते हैं तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना भी आसान हो जाता है। नंबर 9 पर आता है गवर्नमेंट ग्रांट्स। अपने स्टार्टअप को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स का बेनिफिट भी लिया जा सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर की जाने वाली हर ग्रांट स्पेसिफिक होती है और उनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है, इसलिए इस बारे में अच्छे से रिसर्च करके क्राइटेरिया मैच करके इस तरह की ग्रांट का फायदा लिया जा सकता है। आईमेट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन इसी तरह की ग्रांट्स हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप फंड रेजिंग के इन 9 तरीकों में से अपने स्टार्टअप के लिए बेस्ट तरीके सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके स्टार्टअप के लिए फंड कलेक्ट करना आसान हो जाए। तो ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और फिर भी आपका कोई सवाल है तो वो भी लिख भेजिए। और हमेशा ऐसे वीडियोस, ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे, ढेर सारा फायदा आपको मिलता रहे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यूं ही बनाए रखिए क्विक सपोर्ट के साथ अपना साथ। रूबी मिलेगी बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।